करोड़ का सीसीटीवी लगने जरा पूरे जरा गाना गा दीजिए। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, चलिए आप मन से नीचे जाइए। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी वैसे तो गाहे बगाहे कहीं भी गाना शुरू कर देते हैं, जिस कार्यक्रम में भी जाते हैं वही गाना शुरू कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। कहीं गाने से माहौल बनाने की कोशिश, क्या लेकर आया यहाँ, क्या लेकर तू जाए, और लाना जाना कुछ नहीं। तो कहीं गाने से मखौल उड़ाने की, तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। मनोज तिवारी जहां भी जाते हैं नेता कम और गवैये ज्यादा लगते हैं, कभी जनता की मांग पर तो कभी नेताओं की मांग पर। अभी वो एक दिन एबीपी खूब चलाया, मैं गया था अपने लाइन में जब लोग लगे थे, तो मैं सोचूं क्या कहूं तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में नगर निगम के सरकारी स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें इलाके के सांसद और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में थे। मंच से स्कूल की अध्यापिका ने बड़े ही मान सम्मान के साथ इलाके के सांसद को अपनी बात रखने के लिए बुलाया, और जिस चिर परिचित अंदाज के लिए मनोज तिवारी जाने जाते हैं उसी अंदाज के लिए स्कूल की टीचर ने केवल मंच पर आकर 2 लाइन गाने के लिए कह दिया। ये बात मनोज तिवारी को इतनी नागवार गुजरी कि तिवारी जी ने भरे मंच से जमकर टीचर को फटकार लगाई और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात तक कह डाली, जिसके बाद टीचर स्कूल के कार्यक्रम को छोड़कर चली गई। आपको ये कहना चाहिए, आप नौटंकी कर रहे हो कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम, ये मजाक नहीं कर रहे। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, ये तमीज है आपकी? गाने का प्रोग्राम है क्या? आपको इतने भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? ये 2 करोड़ का सीसीटीवी लगने जरा पूरे जरा गाना गा दीजिए। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे बात करते हैं, तो छात्र से कैसे बात करेंगी। चलो आप जाके बैठो नीचे। मनोज तिवारी के इस व्यवहार से सभी हैरान हैं। सवाल उठने लाजमी है कि जो नेता खुद ही गाने बजाने को आतुर रहता हो, उसे एक महिला शिक्षक के आग्रह पर इतना रोष क्यों? चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे बात करते हैं, तो छात्र से कैसे बात करेंगी। चलो आप जाके बैठो नीचे। मनोज तिवारी का कहना था कि यहाँ करोड़ों रुपए के सीसीटीवी लग रहे थे और ऐसे मौके पर शिक्षिका ने उन्हें गाने की बात कह दी। गाने का प्रोग्राम है क्या? आपको इतने भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? ये 2 करोड़ का सीसीटीवी लगने जरा पूरे जरा गाना गा दीजिए। लेकिन जब बात जनता को रिझाने की थी, तो करोड़ों रुपए के लग्जरी वैन से अवतरित होकर भी मनोज तिवारी गाते हुए दिख रहे थे। नजारा आप खुद देख लीजिए। गाने
सीधा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों मनोज तिवारी को टीचर की बात पर इतना गुस्सा आया। हर मंच से तिवारी कुछ ना कुछ अपने ही अंदाज में गाते हैं, फिर टीचर की छोटी सी रिक्वेस्ट पर कार्रवाई की बात क्यों कह जाते हैं? कार्रवाई करो, ठीक है, चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मंच से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है। पत्रकारों ने जब सवाल पूछे तो मनोज तिवारी ने क्या कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। नहीं, एंकर कैसे बोलेगा सांसद को कि आप गाना गाओ, ये मर्यादित है क्या? मैं यहाँ गाना के प्रोग्राम में गाना गाऊंगा ना, कि एक शिक्षक अपनी मर्यादा छोड़, शिक्षक वो नहीं थी, वो एंकर थी, शिक्षक होते हुए एंकर हैं। अगर वो सांसद को बुला रही हैं और कहीं अगर आप गाना गा दीजिए तो आपको लगता है ये मर्यादित बात है, और मैं ऐसी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब साफ है, अगर तिवारी अपने मन से कुछ भी बोले, कुछ भी गाए तो कोई दिक्कत नहीं। तिवारी खुद भी कहते हैं कि उन्हें नेतागिरी की आदत नहीं। मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल देता हूँ, मेरा नेतागिरी की आदत नहीं है, अभी मैं दिल से सोचता हूँ। लेकिन एक महिला शिक्षक ने एक आग्रह क्या कर दिया, सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अपमान करने पर उतर आए। सांसद को इसको मंच पे गाना गाने को कहने का नहीं होना चाहिए। गाने का प्रोग्राम है क्या? आपको इतने भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? ये 2 करोड़ का CCTV लगने, जरा पूरा जरा गाना गा दीजिए। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मंच से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है। माफी तो मनोज तिवारी को मांगनी चाहिए थी अपने व्यवहार के लिए, क्योंकि उन्होंने एक महिला का सार्वजनिक मंच से अपमान किया।